आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ये टॉपिक इंग्लिश में इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि शायद है कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या फिर शायद ही है ऐसा कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो जहाँ पर यह ना पूछा जाता हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नरेशन को, इसको हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आखिर ये है क्या? इसको हम लोग सरल भाषा में अगर हम बताएं आपको, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक तरीके से चुगली का विषय है। मतलब चुगली क्या होती है, कुछ लोग जानते भी होंगे, वो मतलब इन चीजों से वाकिफ हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। यदि आप किसी भी दो व्यक्तियों की बातें, मतलब किसी के बीच में होने वाली बात को यदि आप किसी तीसरे के पास में शेयर करते हैं, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो ये बात आपके कहीं ना कहीं चुगली कहलाएगी। अब चुगली का नाम हम तब देते हैं जब वह बात हानिकारक हो, ठीक है? जब भी वह बात कहीं ना कहीं दो लोगों की बात यदि आप तीसरे को पास कर रहे हैं और वह बात हानिकारक हो, तो यहाँ पर हम चुगली का नाम दे देते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए हम इन कुछ शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीजें जल्दी रिलेट हो पाए और जल्दी समझ पाए। तो यदि हम आपस में दो लोग बात करते हैं, हम सीधे बात करते हैं मुद्दे की, यदि हम आपस में दो लोग बात करते हैं तो हम दोनों लोगों के बीच में होने वाली बात जो होगी वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट स्पीच। यदि हम दो लोग बात करें तो हम दोनों लोगों के बीच में होने वाली जो बात होगी वह हमारी कहलाएगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन यदि हमारे दोनों लोगों की बातों को कोई तीसरा व्यक्ति किसी और से कहे, या फिर हम स्वयं किसी अन्य व्यक्ति से हम दोनों लोगों की बातों को बताएं, तो यह फिर हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। या फिर हम ये कह सकते हैं यदि हम दोनों लोगों की बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करें तो यह हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं। यह टॉपिक इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं इसकी कुछ सच्चाई और क्या है। आप नरेशन के बारे में क्या जानते हैं? आप नरेशन जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि नरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या है नरेशन? मैक्सिमम बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इसका बड़ा सीधा साधा सा अर्थ है। नरेशन का अर्थ होता है कथा या फिर वर्णन या विवरण। मतलब जिस बात को हम लोग अपने भाषा में बोलें या फिर अपनी भाषा में बताएं तो वह एक विवरण बन जाता है, उसी को हम लोग वर्णन भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि आप इन चीजों का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, और कथा ये सब चीजों से आप परिचित हैं, इन शब्दों से आप परिचित भी हैं, और यही सब चीजें आपकी इंग्लिश में कहलाती हैं नरेशन। नरेशन की एक सिंपल परिभाषा भी है, नरेशन रेफर्स टू द वे दैट ए स्टोरी इज टोल्ड एंड सो बिलोंग्स टू द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। ये आपके नरेशन की परिभाषा भी है, हालांकि कहीं यूज में नहीं आई है और न ही आनी है। सिर्फ नियमों को आपको सीखना है, बस इतना इसमें जानने की जरूरत है कि नरेशन क्या है। तो नरेशन का अर्थ होता है किसी भी बात को आप वर्णित करके अगर बताते हैं, पूरे विवरण के साथ बताते हैं, तो वह बात बन जाती है नरेशन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो यदि हम किसी भी वक्ता के कहे हुए शब्दों को, मतलब जो भी बातें हो रही हैं, उन शब्दों को यदि हम ज्यों का त्यों लिख दें तो वह बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच। मतलब जैसी बात हुई है, यदि मैंने कहा आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही वॉज गोइंग टू मार्केट, जो भी बात हुई थी जिन शब्दों में हुई थी उन शब्दों में यदि हम 1% का भी फेरबदल ना करें और ज्यों का त्यों लिख दें तो यह बात बन जाएगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन यदि हम उसी बात को अपने शब्दों में बोलें और फिर लिखें तो वह बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंजिंग होती है, कुछ चेंजेज हमें करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं वो सारी चीजें आप लोग सीखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपकी इस प्रकार तैयार हो जाती है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा है मोहन सेट टू मी, मोहन ने मेरे से कहा आई एम योर क्लास फेलो, मैं आपका क्लास का मित्र हूं। तो यहां पर आप देखिए, आप इस सेंटेंस को इस प्रकार कभी नहीं बोलेंगे मुझे भी पता है और आप भी जानते हैं, मोहन ने मेरे से कहा मैं आपका क्लास फेलो हूँ। तो आप इस शब्दों को इस तरीके से नहीं बोलेंगे, आप इन शब्दों को अपनी भाषा में ही बोलेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट स्पीच क्या है समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो देखिएगा, ऐसे वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखे जाए रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं, और ऐसे वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाए रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई ना कोई कथन होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में वो दो व्यक्ति होते हैं जिनके मध्य में बात हो रही है।
रिपोर्टिंग वर्ब में वह व्यक्ति होते हैं जिनके मध्य में बात हो रही है और रिपोर्टेड स्पीच में उन दोनों के बीच में होने वाले कथन को लिखा जाता है। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब यदि डायरेक्ट स्पीच आपको मालूम है तो आप उसे अपनी भाषा में बदलेंगे, मतलब किन्हीं भी दो व्यक्ति की बातों को यदि आप अपनी भाषा में बदलते हैं तो कुछ इस प्रकार कहेंगे कि मोहन ने मेरे से कहा कि वह मेरा मित्र है। तो अब यहाँ पर मोहन टोल्ड मी दैट, हमने देखिए दैट लगा दिए, दो वाक्यों को जोड़ा और कहीं ना कहीं आई की जगह पे हम लोग ही का यूज किया। सहायक क्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ क्योंकि आप भी जानते हैं आई एम ये आपका प्रेजेंट का वाक्य है, तो हम बैक जा रहे हैं क्योंकि यह बात जो हम बता रहे हैं किसी को यह बात पहले हो चुकी है, मतलब ये बात मोहन ने मेरे से कह दिया है और इसके बाद में मैं किसी दूसरे से इस बात को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट में चला गया। तो पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस आपका पूरा का पूरा पास्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार हम कह देंगे ही वाज माई क्लास फेलो। तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुए हैं कैसे हुए हैं और किस प्रकार हमें करने पड़ेंगे ये बड़े आसान से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस समय ये वीडियो का सेशन खत्म होगा उस समय आपके नरेशन को लेकर 1% का डाउट भी आपके मन में नहीं होगा। दुनिया का कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए आपसे बनेगा और ये इतना सरल हो जाएगा कि आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में अगर ये चीज पहले मिलती तो मैं अपना रिजल्ट और भी अच्छा कर सकता था। चलिए देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि कितने ऐसे टेंस होते हैं या फिर कितने ऐसे प्रकार होते हैं जिनको हम लोग नरेशन बना सकते हैं या फिर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाक्य होता है, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य, मतलब जब हम कोई बात करें उसमें कोई कथन छिपा हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें आपके साधारण और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। अगला होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इसी प्रकार अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये पांच प्रकार के वाक्य होते हैं जिनकी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो ये पांचों प्रकार हम आपको सिखाएंगे और इन पांचों प्रकार के अलावा दुनिया में कहीं से भी वाक्य आपको नहीं आ सकता है, आएगा तो इन्हीं से आएगा। और ये पांचों प्रकार आप लोग इस प्रकार सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको जीवन भर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक बार आपने कायदे से देख लिया तो आपको हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कथनात्मक वाक्य होते हैं। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा, किसे हम लोग असर्टिव कहेंगे, इसके नियम क्या हैं, इसके कायदे क्या हैं, ये सारी चीजों को आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत में देखेंगे और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिया गया जो भी सेशन होगा ये आपको पूरी तरह क्लियर होगा। इसलिए चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के क्या नियम है या फिर मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम है साधारण में, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग नियमों पे। सबसे पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई भी डायरेक्ट स्पीच आपके पास दिया है उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले उसका इन्वर्टेड कॉमास को बिल्कुल अलग कर देते हैं और इनके स्थान पर, मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग किसी उचित कंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। यह उचित कंजेक्शन क्या है, तो असर्टिव सेंटेंस में यह दैट होता है, मतलब जो साधारण वाक्य है उसमें कंजेक्शन दैट का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे कि आपने देखा था मोहन सेड टू मी, यहाँ पर मी जो था आपका एक ऑब्जेक्ट था जो कि दिया हुआ था, यदि वो ऑब्जेक्ट ना होता और से या सेड मिलता हमको तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते और आगे का वाक्य हम लोग कंजेक्शन लगाकर बना देते। अब यदि कंजेक्शन मिल जाए, सॉरी यदि कर्म मिल जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, जैसे कि उसमें दिया होता मोहन सेड टू मी, यहाँ पर मी एक कर्म है जो कि दिया हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो तो सेज टू के स्थान पर हम लोग टेल्स का प्रयोग करेंगे और सेड टू के स्थान पर हम लोग टोल्ड का प्रयोग करेंगे।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप लोग रिपोर्टेड स्पीच तो जानते होंगे किसे कहते हैं, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब भी आप जानते होंगे, जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको पहचानना यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर का भाव निकले या फिर आपको ये लग जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्म रिपोर्टिंग वर्ब का जो वाक्य है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस के अतिरिक्त यदि सन बटे 123 के परिवर्तन होंगे कि मैं आपको आगे बताऊंगा तो वो हम करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब कैसे पहचानेंगे आप, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से मिल जाए, सेज टू मिल जाए, हैज सेड मिल जाए, हैव सेड मिल जाए, विल से मिल जाए, इस तरह यदि कोई भी शब्द मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ऐसे शब्द आने के कारण रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब यदि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ऐसी सच्चाई जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य भी कहते हैं इसको, हैबिचुअल फैक्ट्स, मतलब हैबिचुअल का मतलब जो आदत में आ गई हो चीजें, जैसे कि कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, यह उनकी आदत है। बच्चे जो होते हैं वह जान पहचान की जगह में ही जाना पसंद करते हैं, अगर छोटे बच्चे को किसी अजनबी के हाथ में देंगे तो वो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि ये उनकी आदत है। और भी कई सारी चीजें प्रोवर्ब, मतलब यदि कोई कहावत वगैरह है तो वहां पर भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करेंगे। और हिस्टोरिकल फैक्ट, यदि कोई ऐतिहासिक घटना भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में दी गई है तो भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट्स, प्रोवर्ब या हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इनमें से कोई भी चीजें यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई दें तो उसके टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और उचित कंजेक्शन के साथ हम वाक्यों को बदल देंगे। अब एक्सरसाइज हम इसकी देख लेते हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा इसको देखिए, जैसे लिखा वो ही सेज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉरी सी सेज, तो सी सेज जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अब सेज से आपने पहचान लिया कि सेज दिया है तो ये प्रेजेंट का है, इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, दैट लगाना है, दोनों वाक्यों को जोड़ देना है, हो गया। दूसरा देख लेते हैं, अब इसमें लिखा है ही सेज टू हर, ही सेज टू हर, तो ही लिखा है, सेज टू लिखा है, सेज टू लिखा है, तो हम इसको परिवर्तित करेंगे, लेकिन पहले देख लें कर्म दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है, इसमें हर कर्म दिया है, तो सेज टू यहाँ पर टेल्स में बदल जाएगा और यह वाक्य आपका प्रेजेंट का है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, दैट लगाकर हम उतार देंगे। अगला है सी सेज, ही वॉज नॉट कमिंग, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेज दिया है तो इस हमें समझ में आ गया कि हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, कंजेक्शन दैट लगाकर वाक्यों को उतार देंगे। विल से आ गया तो हम समझ गए फ्यूचर का है, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दैट लगाकर जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हम जोड़ ही दें, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के कुछ शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनमें परिवर्तन होगा। नियरेस्ट दिखाने वाले शब्द मिल जाए तो उनमें भी परिवर्तन होगा, लेकिन इन वाक्यों में ऐसे शब्द नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, आगे होगा तो हम बताएंगे। अगला है रेखा सेड दैट, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हैज रेखा हैज सेड, तो हैज सेड का मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट में है वाक्य तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, दैट लगाकर हम जोड़ देंगे। इस प्रकार हमने सीखा जो भी हमने पढ़ा, इसके बाद में हम एक एक्सरसाइज और भी देख लेते हैं। सी सेड, उसने कहा वाटर बॉयल्स 800 डिग्री, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सत्य है, कभी बदल नहीं सकती है, इसलिए दैट लगाकर पूरा वाक्य जोड़ देंगे। अगला है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, जो उसने कहा कि जो हीरा है वह सबसे कठोर तत्व है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये, तो सदा सत्य रहने वाली बातों में
रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए हम दैट लगाकर जोड़ देंगे। अगला है हमारा ही सेड डार्क क्लाउड्स आर द साइन ऑफ रेन, जो काले बादल होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी का जो संकेत लेकर आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो दैट लगाकर हम जोड़ देंगे। अगला वाक्य ही सेड टू रवि, उसने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो ये आपकी हैबिचुअल फैक्ट्स के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर भी सेड टू के स्थान पर हम लोग टोल्ड का प्रयोग करेंगे और बाकी दैट लगाकर जोड़ देंगे। अगला ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत है आपकी, तो उसने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। ये बात बिल्कुल सही रहने वाली भी है, कहावत भी है, दैट लगाकर जोड़ देंगे। अभी तक आपने पढ़ा उनके लगभग सभी वाक, हमने यहाँ कवर किए एक एक दो दो ही सही, लेकिन आपने सीखा कि हम लोग किस प्रकार वाक्यों को बनाते हैं। अब कुछ परिवर्तन और भी हैं जो सन बटे 123 के। अब ये सन बटे 123 क्या है, ये कुछ लोग जानते भी होंगे जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जानकारी नहीं होगी जिन्होंने कभी भी इस टॉपिक को गहराई से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, सीखना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन सीखना भी नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो सिखाने वाला है उनकी कही हुई बातें वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। और व्यक्ति कैच तब कर पाता है जब वह अपने आप से रिलेट कर सके, चीजें अगर बेहतर तरीके से समझाई जाए तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। तो कहीं पर छात्रों की समस्या है तो कहीं पर समझाने वाले की भी समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम इतनी बारीकी से चीजों को बताएं कि हर व्यक्ति को समझ में आ सके। देखिए रूल्स ऑफ सन बटे 123 क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। जो सन है उसको हम लोग मान लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब सन को रिपोर्टिंग वर्ब मान लिया और 123 को हमने रिपोर्टेड स्पीच मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा एक के ऊपर एस है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन जितने भी हैं, एक लिखा है ना, एक के ऊपर एस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है, देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर एस लिखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज होते हैं। तो यदि हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करें या फर्स्ट और सेकेंड याद कर लें तो थर्ड की याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो बचेगा सब थर्ड है और थर्ड आपका नो चेंज होता है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत में आता है आई और वी, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है और यू आपका सेकेंड पर्सन है। बस तीन चीजें याद करनी है, आई वी और यू। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है। यदि किसी भी मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई शब्द मिल जाए, अब रिलेशन का मैंने बात क्यों कही आपसे, यदि आई मिल जाए, मी मिल जाए, माई मिल जाए, ये तीनों शब्द आई से ही कहीं ना कहीं कंसल्ट रखते हैं। यदि वी मिल जाए, अस मिल जाए, अवर आ जाए, मतलब वी का कर्म जो है अस है और वी के साथ अपने के अंग्रेजी हम लोग अवर लगाते हैं, इसी प्रकार आई का कर्म मी है और अपने के अंग्रेजी यहाँ पर माई लगाते हैं। तो यदि इनमें से कोई शब्द मिल जाता है, यदि आप आई और वी को भर याद रखेंगे तो आप बाकी चीजें पहचान जाएंगे। तो यदि आई और वी मिल जाता है कहीं पर भी रिपोर्टेड स्पीच में, तो ध्यान दीजिएगा हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार इन शब्दों को चेंज करेंगे। अब कैसे चेंजिंग होगी आप कंफ्यूज मत होइए, हम आगे आपको बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड पर्सन में यू मिल जाए कहीं पर, यू मिल जाए आपको कर्म के रूप में या कर्ता के रूप में, और योर मिल जाए, अगर इनमें से कोई शब्द मिल जाता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेंगे। बस इतना सा परिवर्तन याद रखिए, इसके बाद में जो कुछ बचा वो सब थर्ड पर्सन है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। एक टेबल है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस टेबल के अनुसार हम लोग वाक्यों में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपने जितने भी वाक्य देखे वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट के और फ्यूचर के थे, और प्रेजेंट फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। अब पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे, यदि सेड टू आ जाए या सेड आ जाए तो समझ लीजिएगा पास्ट टेंस में है, या फिर हैड सेड आ जाए तो समझ लीजिएगा पास्ट टेंस में है।
तो हम लोग देख लेते हैं परिवर्तन किस प्रकार होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसे किसमें बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सभी को पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और कभी कभी डू या डज भी लगते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक में। तो यहां से हम पहचान सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को, और इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वह तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे या फिर हम लोग डिट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। सहायक क्रिया आपको मालूम ही है, इसके बावजूद भी मैंने लिख दिया है ताकि जिन बच्चों को ना मालूम हो वो यहाँ सीख सकें। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग हुआ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी आई एन जी के साथ में, इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज अवेयर हो जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग आई एन जी के प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, मतलब है जेब को हम लोग हेड में बदल देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दोनों में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब हैज बीन हैव बीन मिल जाए तो वहां पर आपको हैड बीन कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहां पर भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वहां पर भी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, तो आप जानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड मिलता है। अगर ये शब्द मिल जाए तो पहचान लीजिएगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट का है और यह वाक्य बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हम लोग हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट बचा है जो टेंस बनता है नरेशन में, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है, वाज वी आर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यदि हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो वाज वी आर के स्थान पर हेड बीन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो ये छह टेंस थे जो परिवर्तित होते हैं। कुल टेंस आपके 12 होते हैं लेकिन मात्र परिवर्तन 6 टेंसों में ही होता है। इसके बाद फ्यूचर का मैंने नाम लिख दिया है, लेकिन ये नाम ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि हम लोग इनको मोडल्स भी बोलेंगे। अगर फ्यूचर का नाम लेंगे तो विल सेल का ही प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर मे और कैन भी लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको मोडल्स बोलता हूँ। विल सेल मे कैन, ये शब्द अगर कहीं आ जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा ये आपके पास्ट में बदल जाएंगे, मतलब विल का बुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा, इस प्रकार ये चेंज हो जाएंगे। और इस प्रकार हम नरेशन के सारे टेंसों के जो नियम थे वो सीख चुके हैं। अब कुछ परिवर्तन और भी दर्शाए गए हैं जो समय तथा स्थान को दिखाते हैं, इनको भी देख लीजिए। जो नियरेस्ट शब्द होते हैं, जो मतलब निकटता दर्शाने वाले शब्द होते हैं, उनको हम दूरी में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब नाउ को देन में कर देंगे, दिस को देट में कर देंगे, दीज को दोज में कर देंगे, कम हेयर को गो देयर में, हेयर को देयर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, और एगो को बिफोर में। ये सारे जो आपके शब्द हैं ये निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये अभी तक जो भी नियम हो गए ये समाप्त हो जाते हैं। मतलब हो सकता है नियम के टाइम पे थोड़ा सा बोरिंग महसूस कर रहे हों, या हो सकता है कुछ नियम आपने पहले से पढ़ लिए हों, वो नियम आते हों। तो देखिए, जब कोई नई चीज सीखनी होती है तो हमें कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को भी रिलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वन टू ऑल हम बेस टू एडवांस लेकर चल रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सके और जो होशियार है वो भी अपने आप को अपडेट कर सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज में कितने लोग ध्यान से देखे हैं और कितने लोग इन वाक्यों को बना सकते हैं। मैं भी वाक्यों को बना रहा हूं, लेकिन आप भी मेरे साथ बनाइए और देखिए क्या आपके द्वारा बनाया गया वाक्य सही है। इसमें लिखा है ही सेड टू मी, तो देखिए सेड टू आ गया तो आप पहचान जाते हैं कि ये पास्ट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखा है यू, तो यू से आपको पहचान में क्या आ गया कि यू आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। देखिए कर्म मी है, ये मी लिखा हुआ है, लेकिन यू की पोजीशन क्या है, यू की पोजीशन इस वाक्य के कर्ता के रूप में है, तो यू कर्ता के रूप में रखा है, लेकिन यह जो बदलेगा वह मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई,
तो यहाँ पर हम लोग आई रखेंगे। अब आर है तो आपको भी पता है कि इज एम आर आपका किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो वाजबी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बदल के, ये इतने वाक्य हैं तो ये आपका बदल गया। दैट आई वॉज डूइंग योर वर्क, योर बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा माई वर्क सीरियसली। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टर कॉमा द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट। तो सेट टू आ गया तो समझ लीजिए पास्ट का है, तो बदल देंगे हम टोल्ड में। कंजेक्शन के जगह पे दैट लगाएंगे, द सर्वेंट की जगह सर्वेंट, विल का हो जाएगा वुड, पूरा का पूरा हम लोग उतार दिए। आगे देखिए, रीता सेट टू हर फादर, ये हो गया सेट टू, इसके स्थान पर टोल्ड करिए फटाफट और इन्वर्टर कॉमा की जगह पे दैट लगाइए और इसके बाद में उतार दीजिए वक्त। सहायक क्रिया में विल की जगह वुड हो जाएगा और आगे का पूरा उतार दीजिए। अगला है आपका ही सेट कॉमा इन्वर्टर कॉमा यू मस्ट वर्क टू पास। तो यहाँ पर आपको मस्ट को चेंज नहीं करना है, इसलिए देखिए दैट आ गया, दैट के बाद में कोई कर्म तो है नहीं है, इसलिए हम ज्यों को त्यों उतार देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। अब यू क्या है, यू बदलता है कर्म के अनुसार और कर्म तो यहाँ पर है नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि कर्म न दिया गया हो, कभी किसी वाक्य में कर्म न दिया गया हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन अगर आ जाए, क्योंकि सेकेंड पर्सन में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि यू होगा या यू से संबंधित शब्द होंगे वही आपका कर्म के अनुसार बदलते हैं। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए कि यदि कभी भी सेकेंड पर्सन आपका आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म न दिया हो तो आप किसी भी फर्स्ट या थर्ड पर्सन को कर्म मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म न दिया हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ जाए तो आप सेकेंड पर्सन को छोड़ दीजिए, तो बचा क्या फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन में किसी भी शब्द को आप कर्म के रूप में मान सकते हैं, आप चाहें तो उसको मेंशन भी कर सकते हैं कर्म के रूप में, आप ना चाहें तो उसको मेंशन ना करिए, लेकिन यू के स्थान पर आप उस शब्द का प्रयोग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर यू की जगह पे मैंने आई लिखा है, आई कैसे लिखा, क्योंकि मैंने मान लिया कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो मी का कर्ता क्या होता, आई होता, इसलिए हमने आई रख दिया। अगर आपने लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड टू पास। अगला देखिए, द स्पीकर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरेक्शन। तो यहाँ पर ये सदासत रहने वाली घटना है, इसलिए हम दैट लगाकर जोड़ देंगे कि जो जंगल होते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टूडे। यहाँ पर सेट टू के स्थान पर आप तुरंत टोल्ड लगाइए, आप सीख गए होंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाइए, आई है आपका फर्स्ट पर्सन और यह बदलेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या ही है, तो हम यहाँ पर भी ही लगा देंगे। एम बदलेगा वाज में और यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, योर मिल गया। अब योर क्या है, सेकेंड पर्सन का शब्द है, योर कहीं ना कहीं यू के अपने की अंग्रेजी है, ये बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा माई फादर। अब देखिए टूडे जो है ये निकटता दर्शाने वाला शब्द है, तो टूडे को हम लोग दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार नरेशन की ये 6 वाक्य सीखे जो कि मिक्सअप में थे, सभी प्रकार के नियमों को इसमें लेकर चला गया है। इसके बाद में और बहुत सारे वाक्य हैं जो आप सीखने वाले हैं, तो यदि कोई नियम अभी भी कमजोर रह जाता है तो आप उसको कवर करते चलिएगा। ही सेड, अब अकेला सेड है इसलिए सेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया। आई जो है ही के अनुसार परिवर्तित होगा तो ही हो जाएगा। अब हियर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह वाक हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हियर्ड आपकी सेकेंड फॉर्म होती है। अब हियर्ड जब सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म जो होगी पास्ट इंडेफिनिट में वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम लगा देंगे ही हैड हियर्ड दैट न्यूज द प्रीवियस डे, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। इसी प्रकार अगला ही सेड दैट यू बदलेगा कर्म के अनुसार, कर्म है नहीं है, हमने आई मान लिया, आई मस्ट वर्क हार्ड। अगला है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, अध्यापक ने कहा जो सूर्य पूर्व में निकलता है, तो बिल्कुल सत्य घटना है, दैट लगाकर जोड़ दीजिए। अगला है द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने बच्चों से कहा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह उपस्थित है, बिल्कुल सही है, दैट लगाकर जोड़ देंगे। अगला है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मेरे से कहा यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है, उनका काम था कहना और हमने सुन लिया, ठीक है। तो
तो यदि कोई चीज कही जाए और कोई चीज सुनी जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवाइस हो जाता है, यहाँ पर दबाव नहीं है। अगर आप नहीं भी नियम का पालन करेंगे तो कोई आपको देखने नहीं जा रहा, नुकसान आपका ही होने वाला है। तो सलाह देना उनका काम था, उन्होंने सलाह दी आपको। तो ऐसी स्थिति में आप टोल्ड के स्थान पर एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और ना करना चाहे तो टोल्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने दैट लगाया। इसके बाद यू बदलेगा कर्म के अनुसार, तो मी का कर्ता आपका आई होता है, आई हो गया। और टू कभी चेंज होता नहीं है, फॉलो की जगह फॉलो ट्रैफिक रूल्स की जगह ट्रैफिक रूल्स आपका सेंटेंस बन गया। अगला है राघव सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, तो ये हो जाएगा राघव सेड दैट, आई बदलेगा राघव के हिसाब से, तो हो जाएगा ही वॉज लर्निंग इंग्लिश दोज डेज। दिस का हम लोग क्या कर देंगे, दोज कर देंगे। इसके बाद में और भी कुछ वाक्य हैं आपके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन वाक्यों का आप स्वयं बनाइएगा। हालांकि बने हैं लेकिन आपको फिर अपने मन से बनाकर देखना है कि आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। और कुछ वाक्य दे रहे हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको आप स्वयं बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सीखा है और यह आपसे जरूर बनेंगे। हाँ, एक वाक्य इसमें है, 22वां नंबर देखिए, इसमें लिखा द ग्रैंडफादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चिल्ड्रन, दादाजी ने कहा बच्चों, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी नाउ, मैं आपको अब एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर बच्चों से बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन होगा कर्म बन जाएगा, तो हो जाएगा द ग्रैंडफादर टोल्ड द चिल्ड्रन। इसके बाद डेट लगा दीजिएगा और आई बदलेगा ग्रैंडफादर के हिसाब से, तो हो जाएगा ही, तो ही वाज गोइंग टू टेल, नाउ को हो जाएगा देन, टेल देम ए स्टोरी देन, नाउ को देन में बदल दीजिएगा। बाकी अगला आपका वाक्य बिल्कुल सरल है, जो कहते हो आप बना सकते हैं। इन वाक्यों को देख लीजिए, रोहित सेड टू हर, तो सेड टू के स्थान पर लग गया दैट, सॉरी टोल्ड, ये गलत है वाक्य, रोहित सेड टू हर, तो सेड टू के स्थान पर यहाँ टोल्ड लगेगा, सेड लगा ये गलत है, हर के स्थान पर हर आएगा, फिर दैट लगा के फिर अगले वाक्य को हम लोग बना देंगे। इसी प्रकार ये 25वां नंबर है, 26वां नंबर भी इसी प्रकार का है। 28 वाक्य हैं जो आपने सीखे, इसमें 27वां नंबर देख लीजिए, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसने कहा कि पृथ्वी जो है उस सूर्य का परिक्रमा करती, बिल्कुल सही बात है, इसलिए कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई सारी चीजें क्लियर हैं, और यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है और संतुष्ट हैं तो आप, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नए नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और किसी भी समस्या के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। देव क्लासेस में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एक जबरदस्त सीरीज आप तक पहुंचा चुके हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट में है, और इसमें आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इसके बेसिक नियम को पूरी तरह सीखा है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप इस वीडियो को जरूर देखें जहाँ से आप इसका बेस सीख पाएंगे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी, इसका जो दूसरा भाग था देखिए लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस, तो इस भाग में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग चलिए चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। ये सारी चीजें आपने पहले वीडियो में देखी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज भी उसमें बताई गई थी जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके सीखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आ जाते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आप जो जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का जो पहचान है आप किस प्रकार करेंगे। ये जो सेंटेंस होते हैं इसमें मुख्यतः आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का अभाव होता है। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का अभाव हो तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है।
और इसकी परिभाषा बात करें तो क्या होगी, ऐसे वाक्य जो आज्ञा प्रार्थना या सलाह का भाव दिखाते हो, क्या नहीं है यहाँ पे, या सलाह है, ऐसे वाक्य जो आज्ञा प्रार्थना या सलाह का भाव दिखाते हो, ऐसे वाक्यों का हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद में देख लेते हैं उसके कुछ बेसिक नियम है, और नियम इतने कम है कि आप लोग चुटकियों में सीख जाएंगे। जैसे कि आपका रिपोर्टेड स्पीच से यदि आदेश का भाव निकले, आप इतना तो आप समझ ही लेंगे कि यदि एक डॉक्टर आपसे बात करे और यदि एक अध्यापक बात करे तो इसमें से कौन आपको आदेश दे सकता है। तो आपको नॉर्मल सी बात मालूम है कि डॉक्टर कभी आदेश नहीं दे सकता है, डॉक्टर सिर्फ एडवाइस दे सकता है और अध्यापक आदेश दे सकता है। यदि पिताजी बात करें तो उनका भाव मालूम होगा कि पिताजी आदेशात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की एडवाइस आपको दे रहे हैं। तो यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव निकले, ये आपको देखना पड़ेगा पढ़ के, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव निकले तो जहां पर आपको सेड या सेट टू मिले, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेट टू होता है वहां पर आप ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे। एक बात समझ में आ गई होगी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश का भाव निकले तो सेड या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, यदि प्रार्थना का भाव निकले तो रिक्वेस्टेड, जैसे एक बच्चा अगर अध्यापक से कोई बात करेगा या पूछेगा कोई चीज तो वहां पर रिक्वेस्ट ही होगा। यदि हम अपने बड़े से कोई बात पूछते हैं या हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वहां पर रिक्वेस्टेड ही होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच से सलाह का भाव आए तो वहां पर आप सेड या सेट टू के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग करेंगे। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आदेश का भाव निकले तो सेड या सेट टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, यदि प्रार्थना का भाव निकले तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और यदि सलाह का भाव निकले तो एडवाइस में बदलेंगे। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। पहले तीन नियम इतने सरल थे कि आपको तुरंत समझ में आ गए होंगे। चौथा देख लेते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने सीखा था असर्टिव सेंटेंसेस में कि आपको वहां पर कंजेक्शन दैट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव में आप लोग कंजेक्शन दैट नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर कंजेक्शन टू का प्रयोग करेंगे। और अगला देखिए नियम, यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस, कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस यदि आपका डू नॉट से आरंभ हो, ठीक है, यदि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यदि किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच यदि डू नॉट से प्रारंभ होता है तो समझ लीजिएगा कि अब आपको कंजेक्शन में टू के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करना है। मतलब जहां पर आप कंजेक्शन टू लगाते थे वहीं पर आप नॉट टू का प्रयोग करेंगे और इस नॉट को पूरी तरह अलग कर देंगे। मतलब पहले वाला नॉट अलग नहीं हो रहा है जबकि उल्टा हो जाएगा। पहले आता था डू नॉट, तो डू नॉट को हम बिल्कुल अलग कर देंगे, डू नॉट के स्थान पर हम लोग नॉट टू का प्रयोग करके शेष वाक्यों को ज्यों को त्यों उतार देंगे। बस इतने से आपके नियम थे जो आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, बस हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये नियम आपको पूरी तरह क्लियर भी हो गए होंगे। अब कुछ वाक्य आपके इसमें ऐसे भी आ जाते हैं जो लेट अस से प्रारंभ होते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ये बताया था कि यहाँ पर सहायक क्रिया और कर्ता नहीं होता है, फिर ये लेट अस क्या है? तो यदि कुछ वाक्य ऐसे जो लेट अस से प्रारंभ हो उसके लिए कुछ अलग नियम है। उसके लिए क्या नियम है? यदि वाक्य का प्रारंभ, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ लेट अस से होता है तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब के सेट या सेट टू को हम लोग प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में किसी भी शब्द को आप चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन टू नहीं लगेगा, यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। यह जो नियम है कंजक्शन दैट, यह सिर्फ लेट अस वाले वाक्यों के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा कि लेट अस के वाक्यों, लेट अस वाले वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। और क्या करेंगे आप, जहां पर आपका लेट अस दिया गया था उस लेट अस को पूरी तरह आपको रिमूव कर देना है, अलग कर देना है, और उसके स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड, ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ दैट दे ऑब्लिक वी, मतलब दे या वी में से कोई भी शब्द आप चुन सकते हैं, दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग कर देते हैं और शेष वाक्य हम ज्यों को त्यों उतार देंगे। अब आप कहेंगे समझ में नहीं आया, तो अभी हम वाक्य को आपको बताने जा रहे हैं, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। बस आप ये समझ लीजिएगा कि यदि लेट अस वाला वाक्य होगा तो
तो वहां पर हम सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे, कंजेक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। ये हमारा नियम यहाँ से कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज में आप जब जाएंगे तो आपको बिना कहे सारी चीजें बनेंगी, मेरी गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए, चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं है, मेरी गारंटी है कि लास्ट तक वीडियो समाप्त ना होगी, इसके पहले आप स्वयं ये बात बोल देंगे कि यस आज मैं इस टॉपिक की सारी चीजें सीख कर गया हूँ। लेकिन बस आवश्यकता है जुड़े रहने की। यदि आपने दो मिनट एक मिनट देखने के बाद में चीजों को अलग कर दिया, अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है कई जानकारियां आपसे छूट सकती हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं उसमें लेट अस नहीं आता है, लेट तो आता है लेकिन अस नहीं आता है, अस के स्थान पर मी दे देगा, देम दे देगा, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो जो ऊपर वाला नियम था वह सिर्फ लेट अस के लिए था। यदि लेट के बाद में मी आ जाए, देम आ जाए या इस तरह का कोई भी शब्द यदि आ जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, सातवां नंबर का नियम है, यदि लेट रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद में अस के स्थान पर कोई और शब्द आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार कोई शब्द का प्रयोग होता है। अब भाव अनुसार का मतलब क्या होता है कि अब आप देखिएगा, यदि ऑर्डर्ड का भाव है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे, यदि सलाह का भाव है तो एडवाइस लगाएंगे, यदि प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो मतलब जो भी भाव निकलेगा हम उस भाव का प्रयोग करते उस वाक्य को बनाएंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में लेट से पहले टू कंजेक्शन का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में लेट से पहले टू कंजेक्शन का प्रयोग हो जाएगा, मतलब लेट हटेगा नहीं। अगर लेट के बाद में अस नहीं है तो हम लेट को हटाएंगे नहीं, लेट के पहले हम टू का प्रयोग लगा के वाक्यों को जोड़ देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेट के बाद में जो शब्द आया था वो चाहे मी हो या देम हो या फिर कोई भी कर्म हो सकता है, यह शब्द यदि सन बटे 123 के परिवर्तन के अंतर्गत आता है तो हम परिवर्तन करेंगे, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा, या फिर जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर यही नोट्स आपको चाहिए तो आप वीडियो के अंत में जो नंबर बताया जाए व्हाट्सएप नंबर, उसमें संपर्क करके आप इसी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बस प्रिंट आउट आपको निकालना होगा, सारी चीज आपके पास है, वीडियो आपके पास है, नोट्स आपके पास है, फिर दिक्कत का है कि सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक बन जाएंगी। और कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी इन वाक्यों में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इस तरह का कोई भी शब्द आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा ये सारे शब्द निरर्थक माने जाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको नहीं लगाएंगे। और एक विशेष नियम है जो डू नॉट के लिए है, तो डू नॉट वाले वाक्यों में आपने क्या किया था, नॉट टू का प्रयोग किया था। कभी अगर आपको ये नियम ना याद रहे या फिर कभी दूसरे तरीके से वाक्य मिल जाए, जैसे डू नॉट से प्रारंभ हो तो आप डू नॉट के स्थान, डू नॉट वाले वाक्यों में तो डू नॉट को अलग करके सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डू नॉट वाला वाक्य है तो आप डू नॉट को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड लगा दीजिए और कंजेक्शन दैट लगाते हुए वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, एक विशेष नियम है, ये कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये हाई स्कूल लेवल के लिए नहीं है, और ये इंटर लेवल में शायद कभी पूछा गया हो, नहीं तो ये नियम आपका कंपटीशन लेवल का। फिर भी एक छोटा सा नियम है, अगर आप देखेंगे तो बेहतर होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ, यदि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ लेट देयर बी इससे होता है, लेट देयर बी से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ मुझे लगता है, टी नहीं है यहाँ पर, आर मानिएगा, लेट देयर बी से होता है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके स्थान पर दैट देयर शुड बी का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट देयर बी शब्द आ जाए तो आप इनके स्थान पर दैट देयर शुड बी, यहाँ पर जो दैट आपको दिख रहा है ये दैट आपका कंजेक्शन का है और दैट दैट के बाद में देयर शुड बी यह है आपका लेट देयर बी की जगह पे हमने लगा दिया, और बाकी वाक्यों को हम लोग ज्यों कहते उतार देंगे। ये आपके पूरे नियम हो गए यहाँ से। ठीक है, और यदि एक लेट का और वाक्य देखने को मिला है जिसमें अकेले लेट होता है, इसमें ना तो अस होता है, ना मी होता है, ना देम होता है,
इस तरह के कोई भी शब्द यूज नहीं होते, अकेला लेट होता है। तो अगर इस तरह का कभी वाक्य मिले जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में लेट का प्रयोग मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में आप उसको बिल्कुल हटा सकते हैं और कंजेक्शन दैट लगाकर सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर के प्रयोग करते हुए वाक्य को बना सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको सिर्फ लेट मिल जाए, वहां पर अस ना हो, वहां पर देम ना हो, वहां पर मी ना हो, इस तरह का कोई शब्द यूज ना हुआ हो, सीधे लेट हो, इसके बाद में आपका रिपोर्टेड स्पीच चालू हो गया हो, तो ऐसे वाक्यों में हम लेट को टोटल अलग कर देते हैं और कंजेक्शन दैट को लगाते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, और मुझे मालूम है कि नियम जो आपने देखे आपको कुछ बहुत याद होंगे, नहीं भी याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरी जिम्मेदारी है। देखिए पहला है आपका ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुल लो। अब मेरा चेहरा है, मैं धुलूं या ना धुलूं, उसने मेरे से कहा है कि अपना चेहरा धुल लो, तो ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं धुलता हूँ नहीं धुलता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति ने मुझे सलाह दी है, अब मानना या ना मानना मेरा काम है। अगर यहाँ पर आदेश का भाव होता तो वहां पर मेरी पिटाई हो सकती थी, ठीक है, और इसलिए आदेश का भाव तो यहाँ है नहीं, वॉश योर फेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सलाह का भाव आ रहा है, हमने रिपोर्टेड स्पीच को देखकर पता लगा लिया कि यहाँ पर सलाह का भाव है, इसलिए हम लोग सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगा देते हैं, एडवाइस लगा देते हैं। देखिए लगा हुआ है, इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग देखिए टू का प्रयोग करते हैं और पूरा वाक्य उतार दिया। यहाँ पर योर एक शब्द मिल रहा है जो कहीं ना कहीं सेकंड पर्सन का है, और आपने सीखा है कि सेकंड पर्सन जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। तो कर्म में मी दिया गया है, तो मी का जो कर्ता होता है वो होता है आई, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाती है माई, इसलिए हम योर के स्थान पे माई का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगला, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, क्या कहा, बच्चों स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो देखिए प्रिंसिपल जब बोल रहा है तो फिर यहाँ आदेश का भाव ही होगा, यहाँ पर प्रार्थना या सलाह नहीं होगी, मैक्सिमम केसों में यहाँ पर आदेश ही बनेगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर आप बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज। अब आप जानते हैं कि यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कर्ता लिखा हुआ है, इसके बाद में वाक्य का प्रारंभ होता है, तो हम उसको कर्म बना देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। तो हमने द बॉय को पहले ले आए और स्टैंड अप के पहले हमने टू कंजक्शन का प्रयोग किया, वाक्य को जोड़ दिया, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इन वाक्यों में यही आसानी होती है कि इसमें कुछ भी खिचड़ी पकाने के लिए नहीं होती है, वाक्य सीधा सीधा होता है। अगर आपने सिर्फ पहचान कर ली तो इस वाक्य को बनाने में कोई समस्या नहीं है। अगला वाक्य देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा या बच्चे से क्या कहा, गिव मी योर बुक, अपनी पुस्तक मुझे दो। तो अध्यापक बोले या प्रिंसिपल बोले, दोनों लोग बच्चों को सिर्फ आदेश ही देंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड का भाव आता है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गिव। अब देखिए मी आ गया, मी है आपका फर्स्ट पर्सन, और ये बदलेगा द टीचर के हिसाब से, टीचर कोई ना कोई जेंट्स है, महिला भी हो सकती है, तो आप हर का भी प्रयोग कर सकते हैं और हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर योर लिखा हुआ है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा द बॉय के हिसाब से, तो बॉय ये तो फिक्स हो गया कि लड़का है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हिज, और बुक जो कहते हो जाएगा। तो सन बटे 123 के नियम अगर आपने नहीं देखे हैं और यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार इन्हें जरूर सीखें, क्योंकि एक अध्यापक के नाते मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना जरूर करता हूं, मैं आपको सलाह जरूर देता हूं कि यदि आपको वास्तव में इंग्लिश सीखनी है तो आपको नरेशन के लिए सन बटे 123 का नियम सीखना ही पड़ेगा। यदि आप सीखते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक नियम है उसमें जो सीखने को मिलेगा, तो आप एक बार देखिएगा जरूर। चौथा नंबर देखिए, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिए पद आपका बढ़ रहा है, एक अध्यापक प्रधानाचार्य से बात कर रहा है, तो यहाँ पर यह दोनों आदेश दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए टीचर और प्रिंसिपल के बीच में, तो यहाँ पर पद बड़ा है प्रिंसिपल का, इसलिए जो अध्यापक होगा वह सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। तो द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली। तो यहाँ पर हमने बताया था कि प्लीज मिल जाए, काइंडली मिल जाए, सर मिल जाए, मैडम मिल जाए, इन सभी शब्दों को हम लोग अलग कर देते हैं
तो बचा क्या हमारे पास, ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज ओनली, तो यहाँ पर प्लीज को अलग कर देंगे और टू कंजेक्शन लगा देंगे। देखिए लगा हुआ है, इसके बाद में ग्रांट अपने जगह पे आ गया और मी लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि मी है फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन है, कैसे है फर्स्ट पर्सन, यदि कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो तो वह बच्चे इस नियम को सीखने के लिए पुराने वीडियो को जरूर विजिट करें, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट भी अगर आप दे देंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। अब मी फर्स्ट पर्सन है और ये बदलेगा द टीचर के हिसाब से, तो हो जाएगा क्या, मी की जगह पे यहाँ पर लेडीज टीचर मानी गई है तो यहाँ पे हमने हर कर दिया। इसके बाद में लीव फॉर टू डेज ओनली। अब अगला है आपका छठवां वाक्य, देखिए कहता है अशोक सेड टू हिज सिस्टर, अशोक ने अपनी बहन से कहा प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माय टेबल। तो यहां पर जो अशोक है वो अपनी बहन से कह रहा है कि कृपया इन पेपरों को मेरी टेबल के ऊपर रख दो। तो यहाँ पर प्लीज शब्द आ गया तो कहने वाली बात है नहीं है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर प्रार्थना का भाव है और हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमने देखिए रिक्वेस्टेड लगा दिया, अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। और आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, तो देखिए हमने टू भी लगा दिया है। टू पुट दोज, दीज को दोज में बदलते हैं, एक टेबल दी गई है पिछले आपके वीडियोज में जहां पर नजदीकी दिखाने वाले शब्द होते हैं उनको हम दूरी वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, तो दीज का दोज हो जाएगा यहाँ पर पेपर्स ऑन हिज टेबल। तो माई था ना यहाँ पर, माई की जगह हमने क्या कर दिया, हिज कर दिया, माई है आपका फर्स्ट पर्सन और ये बदलेगा अशोक के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हिज टेबल। अगला देखिए द प्रिंसिपल सेड टू रामू, अध्यापक ने रामू से कहा गेट आउट ऑफ द रूम। ये कहीं ना कहीं अध्यापक एक बच्चे से कह रहा है गेट आउट, मतलब बाहर हो जाओ कमरे के, तो यहाँ पर आदेश ही होगा, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू टू गेट आउट ऑफ द रूम, टू लगाकर जोड़ देंगे। अगला है माई फादर सेज टू मी, मेरे पिता ने मेरे से क्या कहा, फोकस ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। अब देखिए लक्ष्य मेरा है, मैं केंद्रित रहूं या न रहूं, पिताजी कह रहे हैं हमने सुन लिया, मैक्सिमम बच्चों की यही कहानी होती है, पिताजी ने कहा और हमने सुन लिया, ये हमारा काम होता है, लेकिन गोल पर केंद्रित होना है या नहीं होना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रतिक्रिया पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पिताजी सजेशन दे रहे हैं आपको, पिताजी ने सलाह दी है, आप एडवाइस भी कर सकते हैं और यहाँ पर सजेस्टेड भी कर सकते हैं, यहाँ पर पिताजी सलाह दे रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर हम आदेश का भाव नहीं रखेंगे और प्रार्थना का भाव नहीं रखेंगे, पिताजी कभी बालक से प्रार्थना नहीं करेंगे, पिताजी सलाह दे सकते हैं और पिताजी आदेश भी दे सकते हैं, ये दोनों बातें पिताजी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो माई फादर सजेस्टेड मी, मेरे पिता ने मेरे को सलाह दी, क्या दी, टू फोकस ऑन माई गोल, योर बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा माई गोल्स हो जाएगा। अगला है कमल सेट टू टीचर, कमल ने अपने अध्यापक से कहा, क्या कहा, प्लीज टीच मी इंस्टेंटली। तो यहाँ पर प्लीज शब्द आ गया तो कहने वाली बात नहीं, आप पहचान गए कि ये आपका प्रार्थना संबंधी शब्द है और यह हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे और इस प्रकार हमने बना दिया, टू लगाकर पूरा वाक्य जोड़ दिया, मी की जगह हिम कर देंगे, ठीक है। अब ये वाक्य जो थे ये आपने सीखे, अगर इसके बाद भी कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनको समझने में आपको समस्याएं होती हैं या फिर जो आपसे नहीं बनते हैं, जो आप और अधिक सीखना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, अपनी समस्याओं को इसमें शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया और सारी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं तो आप सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ये करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाता हूं, यदि आप चाहें तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप अपनी चीजों को और भी मजबूत कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपको देने जा रहा हूं वो चीजें और इसके बाद में चलिए। ये आपका देखिए कुछ एक्सरसाइज है ये, और इसमें मैं आपको कुछ अभी जो आपके वाक लेट मी वाले थे, ये देखिए डू नॉट वाले वाक्य हैं जो शायद उस नियम में नहीं हो पाए हैं। द मेजर सेड टू रैना, मेजर ने रैना से कहा, क्या कहा, डोंट बिलीव लाइक दिस विथ मी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजर जो व्यक्ति मेजर किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो यहाँ पर आप इतना समझिए कि यहाँ पर चेतावनी तो वार्निंग हमने कर दिया और
यहाँ पे ordered का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर don't था, do not था, तो यहाँ पर हमने not to का प्रयोग कर दिया। behave like, तो behave like लिख दिया, this का that हो जाएगा, with का with हो गया, और me बदलेगा first person के अनुसार तो जाएगा him। अब अगला वाक्य देख लेते हैं हम लोग, कुछ और जो थे, एक और do not वाला देख लेते हैं। देखिए सुजाता, यहाँ पे जी की जगह जे होना चाहिए, सुजाता said to अमिता डोंट मिस क्लास। तो यहाँ पर डू नॉट का हमने एक नियम और भी बताया था आपको कि यदि डू नॉट के डू नॉट को बिल्कुल अलग करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर फोरबिड के प्रयोग कर देंगे और वाक्यों को टू लगाकर जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह बहुत बड़ी मैंने एक फाइल तैयार की है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। आपने जो नियम सीखे हैं उसके बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो आप इसमें सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। देखिए लेट हिम वाला वाक जो नियम उस पर नहीं हो पाया था एग्जाम्पल में, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट हिम डू व्हाट एवर ही लाइक्स, इसी का नियम है ये। इसके बाद में आपका कुछ नियम और भी हैं, तो यदि आप इस पीडीएफ को चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। आप संपर्क करिए मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और इस पीडीएफ को मैं आपको भेजूंगा ताकि आप अपनी इन चीजों को और भी बेहतर बना सके। लेटेस्ट वाला एक वाक्य देख लेते हैं, उसमें था नियम में मौसमी सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा लेटेस्ट गो टू चंदानगर, जो भी है आपका तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लेटेस्ट आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड कर देंगे, तो प्रपोज्ड कर दिया और लेटेस्ट को बिल्कुल अलग कर देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे दैट दे शुड। ये देखिए लिखा हुआ दैट दे शुड, तो अब देखिए लेटेस्ट वाला ये भी वाक्य है दैट वी शुड लिखा हुआ है, आप दैट दे शुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए एक वाक्य आ गया लेट हर वाला, मैंने आपको बताया था यदि लेट के बाद में कोई भी कर्म दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, तो लेट के बाद में कोई भी कर्म दिया गया हो तो हम वाक्य के भाव के अनुसार सेड या सेड टू को बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है लेट हर गो व्हाट एवर शी लाइक्स, यहाँ पर नॉर्मल भाव कुछ ऐसा कुछ खास निकल नहीं रहा कि आदेश का भाव है या फिर सलाह का भाव है, तो हमने सेड को देखिए सेड में रहन दिया और इसके बाद में दैट लगाया, इसके बाद में हर को क्या कर देंगे सी कर देंगे और सी माइट गो व्हाट एवर शी लाइक्ड। इस तरह ये वाक्य आपके लगभग लगभग मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाक्य आपके पास 51 वाक्य हैं जिनको आप लोग सीखेंगे, 51 वाक्य हैं आपके जो आपके इस नियम से संबंधित है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप में आप अपना नंबर जरूर शेयर करें और कैसा रहा वीडियो एक बार ये जरूर बताएं ताकि हम आपको और भी जो कमियां रह गई हों या फिर जो चीजें आप और सीखना चाहते हो उनको हम दूर कर सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज जितने भी सीखने वाले व्यक्ति हमसे जुड़ने जा रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, नरेशन का एक बहुत ही जबरदस्त पार्ट आज आप लोग सीखेंगे, जिसमें आज के पहले आप लोग दो पार्ट सीख चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के, दो पार्ट आपने इसके पहले सीखे। जो बेसिक रूल थे वो फर्स्ट वीडियो में आपको बताए गए, बेसिक नियम आप लोगों ने सीख लिए होंगे। यदि किसी बच्चों ने अभी बेसिक नियम नहीं सीखा या फिर पहली बार वो इसी वीडियो को देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो उनको देखकर अपनी बेसिक चीजों को और तैयार कर सकते हैं। और यदि आप इसी वीडियो को देखना चाहें तो आप इसको पूरा देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखते हैं नियम क्या है, यदि कभी भी आपका नरेशन का वाक हो उसमें रिपोर्टेड स्पीच, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है आप जानते होंगे, जिस वाक को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया जाए या बंद करके रखा जाए वह आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में है यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक है वह प्रश्नवाचक है तो कंजेक्शन के स्थान पर हम लोग इफ या वेदर के प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है सेड या सेड टू का हम लोग आक्ष में चेंज कर देते हैं। अगला है नियम है आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सहायक क्रिया से आरंभ हो। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वाक्य ऐसे जिनमें शुरू में सहायक क्रिया मिल जाती है वो भी प्रश्नवाचक कहलाते हैं, और एक वाक्य ऐसे जिसमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए जैसे व्हाट व्हेयर हु हाउ इस तरह के शब्द मिल जाए तो उनको भी हम लोग प्रश्नवाचक ही कहते हैं। तो ये दोनों के लिए है, लेकिन अगर शुरू में प्रश्नवाचक शब्द सॉरी
शुरू में यदि सहायक क्रिया मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वाक्य को, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को साधारण में बदल देंगे, और जो नियम आपके पहले चलते थे, क्या नियम, सन बटे 123 का नियम, वो ज्यों का त्यों लागू होगा। टेंसों में परिवर्तन का नियम, वो ज्यों का त्यों लागू होगा। अगला नियम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यही प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन का कार्य करते हैं और अलग से हम किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्नवाचक रिपोर्टेड स्पीच को साधारण रिपोर्टेड स्पीच में बदल दिया जाता है, और ये विशेष नियम है जिसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत बच्चों का ये प्रश्न भी था कि ऐसा क्यों होता है, उसको नीचे समझ लीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना, सलाह देने की बात कही गई हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रार्थना और सलाह देने की बात कही गई हो, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय जो सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन दिया गया है, अगर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी शब्द दिया गया है कर्ता के रूप में, तो इनके साथ हम वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे। वैसे आप लोग जानते होंगे शुड का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होता है। शुड का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ क्यों होता है, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, तो सेल की सेकेंड फॉर्म आपकी शुड हो जाती है, तो शुड लगा देते हैं। लेकिन यदि प्रार्थना सलाह देने की बात कही गई हो, तो ऐसी कंडीशन में सेकेंड और थर्ड पर्सन के जितने भी शब्द हैं उनके साथ हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप गलत न मानिएगा, ये आपका सही है। अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो यस और नो वाले होते हैं, क्या है इनका नियम, बेसिक नियम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया है, तो हम क्या करेंगे, इनके स्थान पर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जहां पर यस या नो लगा है, तो इनके स्थान पर हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके तुरंत बाद हम वर्ब को भी लिखेंगे। यह नियम है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया है, तो इनके स्थान पर उसी वाक्य का हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट और क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज देख लेते, समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ रामा सेड सीता, रामा ने सीता से कहा, कैन यू लैंड मी दिस वॉच, रीता सेड यस। अब यस आ गया है तो हम यस के लिए क्या करेंगे, तो देख लीजिए हमने क्या लिखा, पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों बनाया, रामा सेड सीता कैन यू लैंड मी दिस वॉच, इस वाक्य को हम लोग अलग बना लेंगे। इसके बाद में रीता सेड और इसके बाद में लिखा यस, तो जो यस है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी कर्ता बन सकता है यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, रिप्लाई, यहाँ पर लिखा हमने रीता और सेड की जगह हमने रिप्लाइड कर दिया, क्योंकि अभी रीता उत्तर दे रही है, रीता ने उत्तर दिया, क्या दिया, हम इन्वर्टेड कॉमा को अलग करेंगे तो दैट लग जाएगी, तो आपको पता ही है साधारण वाक्यों में, क्योंकि ये वाक्य साधारण है, पहला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, दैट लगा दिया। इसके बाद में जो यू था, यू किसके अनुसार बदलेगा, यू बदलेगा कहीं ना कहीं रामा के अनुसार, तो रामा लड़की है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सी लिखेंगे। इसके बाद में देखिए यू बदला किसमें, कुड में, तो ये जो कर्ता और सहायक क्रिया है इसी को हम उठाकर ज्यों का त्यों यहाँ रख देते हैं बस। अब मुझे लगता है कि ये यस या नो वाले वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे, हालांकि ये वाक्य आते बहुत कम है, स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं में यदि कभी पूछा जाए तो नहीं कह सकते हैं, तो आप इस नियम को भी देख सकते हैं। एक वाक्य नो वाला भी देख लेते हैं, ही सेड टू रवि, आर यू अटेंड द क्लास, आनंद दैट ही वॉज नॉट, यहाँ पर अगर नकारात्मक में है तो वहां पर हम नोट का प्रयोग कर देंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं इंट्रोगेटिव की क्या है। एक्सरसाइज में हम लोग पहला वाक्य देख लेते हैं, लिखा हुआ दैट गर्ल सेड टू मी, लड़की ने मेरे से क्या कहा, इज द मैंगो स्वीट। यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनको ध्यान देना होगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो रिपोर्टिंग ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सहायक क्रिया से हो, कोई भी सहायक क्रिया, अगर सहायक क्रिया से हो तो हम इस वाक्य को साधारण में बदल देंगे, नियम ये कहता है। सेड या सेड टू के स्थान पर आक्ष का प्रयोग करेंगे, ASKED। इसके अलावा हम लोग कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो लिव हम बना के दिखाते हैं आपको।
द गर्ल आस्क्ड मी, लड़की ने मेरे से कहा, क्या कहा, इफ लगा दिया हमने, और द मैंगो यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ता बन रहा है, द मैंगो को आगे ले आए, इज बदल जाएगा वाज में, क्योंकि आपको पता होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इस प्रकार छह टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इज मिल गया, तो कहीं ना कहीं इज को हम लोग वाज में बदल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल या फिर कह सकते हैं साधारण या सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। दूसरा वाक्य देख लीजिए, द टीचर सेड टू मी, आर यू इल, तो यहां पर भी देखिए सेम कंडीशन है, यहां पर भी आपका सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ होता है, तो यहां पर हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी, वेदर लगा दिया है, आप चाहें तो इफ लगा सकते हैं, और यू बदलेगा आपका मी के अनुसार, क्योंकि यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो मी के अनुसार बदलेगा, तो हो जाएगा आई, तो आई वाज इल। अगला है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, डू यू नो द मैन, यहां पर भी देखिए शुरुआत में आ गया डू, और डू है आपका कहाँ आता है, डू आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलेंगे, लेकिन वाक्य को हम साधारण करेंगे, तो आपको पता है कि साधारण में क्या होता है, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका आई आस्क्ड या इंक्वायर्ड, कुछ भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड लगा दिया है, आपको सिर्फ आस्क्ड लगाना है, ऑफ हिम, ऑफ न लगाना चाहे तो न लगाई, क्योंकि इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आता है, आस्क्ड के साथ ऑफ नहीं आता है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लगाएंगे, या फिर आप वेदर भी लगा सकते हैं, अब इसको चेंज करेंगे तो हमें हो जाएगा ही न्यू, यू बदलेगा, देखिए यू आपका क्या है सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा ही हिम के हिसाब से, तो हो जाएगा ही, और हो जाएगा न्यू द मैन। अगला देख लीजिए, यहां पर नितिन होना चाहिए था, लेकिन ठीक है जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, हम नितिन ही पढ़ लेते हैं। नितिन सेड टू मंगल, विल यू हेल्प मी, तो यहां पर हो जाएगा सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ हो जाएगा, और यू जो है आपका यू कहीं ना कहीं सेकंड पर्सन है, यह बदलेगा आपका मंगल के हिसाब से, तो कर्ता बन जाएगा ही, विल का हो जाएगा वुड, और हेल्प और मी की जगह हो जाएगा हिम, कैसे हो गया हिम, क्योंकि मी आपका फर्स्ट पर्सन है और आपका नितिन जो है कहीं ना कहीं किसी लड़के का नाम है, तो यहां पर हिम हो जाएगा। निखिल भी कर सकते हैं, अब ये टाइपिंग एरर हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। कुछ वाक्य हम और देख लेते हैं, ये देखिए इनको स्क्रीन शॉट लीजिए, ये वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं, बने भी हैं, ऐसा नहीं कि बने नहीं हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको बनाने का प्रयास करिएगा, सीखना है आपको, और इसके बाद में दूसरे तरीके के वाक्य आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर आप स्वयं विचार करिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, एक एक वाक्यों को आप बनाते जाइए, मुझे उम्मीद है कि अब आपने जो भी सीखा है वो आपका काम आएगा, और उसको आप आसानी से बना भी सकते हैं। चलिए कुछ वाक्यों को मैं फिर से बता देता हूँ, आई सेड टू मनीष, तो सेड टू को देखिए आस्क्ड, अब केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देना है, सेड टू की जगह हमने क्या लिखा, आस्क्ड लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लिखा, यू आपका सेकंड पर्सन है, मनीष के हिसाब से बदलेगा, तो हमने ही कर दिया, डिड आपका शुरू में आया तो आपको पता चल गया कि आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम लोग हेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, और जब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो लगेगा थर्ड फॉर्म, तो सी का हो जाएगा सीन, और अवर क्या है, अवर कहीं ना कहीं अस की अपने की अंग्रेजी है, तो ये बदलेगा कर्ता के हिसाब से, तो आई करता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये बदल जाएगा माई में, काऊ का काऊ हो जाएगा, इस तरह इन वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। अगला देखते हैं, कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जिसमें से प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आया होगा, इन सभी वाक्यों में आपका सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिसमें आया है, ये लिखा हुआ है हु ब्रोक द ग्लास, सी सेड, इन वाक्यों को आप बना लीजिएगा, अगला सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु ब्रोक द ग्लास, तो यहां पर देखिए हु आगे आ गया आपका, तो सी सेट की जगह सी वांटेड इसने कर दिया, आप चाहें तो लगाइएगा, ना चाहें तो आप आस्क्ड का ही प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। टू नो,
अब यहाँ पर हु क्या हो जाएगा, हु आपका कंजेक्शन लग जाएगा, और वांटेड टू नो लिख दिया इसने, आपकी कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, आप सी ए एक्स के डी जो सी एक्स हो जाएगा आपका, और हु आपका कंजेक्शन हो गया, और इसके बाद में कर्म को आप चाहें तो आगे ला सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे भी वाक्य को बनाना चाहें तो सीधे हु के बाद में क्या करिए, ये किस टेंस में पहले से हु ब्रोक, अब आपको पता है ब्रोक आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन होगा तो ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, तो ये बन जाएगा हु हैड ब्रोकन द ग्लास। अब ये जो वाक्य हैं, ये सभी वाक्य कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हुम, ठीक है, तो इसमें लिखा है वांटेड टू नो, तो यहाँ पे वांटेड टू नो लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सेट की जगह पे एक्स जगह प्रयोग करिए और हुम की जगह पे हुम लगा दीजिए, इसके बाद में बाकी वाक्यों को साधारण कर दीजिए, हैव दे मेड, क्योंकि हु वाला नियम अलग होता है, और बाकी वाक्यों को सरल करना है तो हम कर्ता को आगे लाएंगे तो हो जाएगा दे हैड मेड लीडर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि हैज हैव कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में पाया जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड मेड कर देंगे, पूरा का पूरा हमें उतार देना है। ये हुज वाले वाक्य हैं, इसमें द बॉय सेड टू द मैन हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग नाउ, तो सेड टू के सन पर देखिए एक्स लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लग गया, हुज लग गया, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन बन जाएगा, और पूरे वाक्य को हम लोग क्या करेंगे, साधारण में बदल देंगे। इस प्रकार वाई वाला वाक्य भी है, आप देख सकते हैं इसमें वाई को हमने कंजक्शन बनाया और वाई के बाद लिखा है डू यू लुक, तो अब जब आप साधारण में बनाएंगे तो सहायक क्रिया कब आती है, कर्ता के बाद, तो डू को हम यहाँ लेकर जाएंगे तो लुक का हो जाएगा लुक्ड, क्योंकि डू हट जाएगा और डेड लगना चाहिए, लेकिन साधारण में डेड लगता नहीं है, सेकेंड फॉर्म आती है, इसलिए हम लुक का कर देंगे लुक्ड, और पूरा वाक्य हम ज्यों को तो उतार देंगे। लास्ट में दिया गया टू डे बदल जाता है डेड डे में। इस तरह ये वाक्य दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको आपको बनाना है और सीखना है। इसके बाद में ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, उम्मीद है आपने सीखे होंगे और इनको बनाना भी आपको चाहिए, क्योंकि अगर यदि बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें और भी कंप्लीट हो जाएंगी। और यदि आप इस एक्सरसाइज की पीडीएफ भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सीखी गई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी सीखना बाकी है, क्योंकि जब तक आप पेपर पेन पे काम नहीं करेंगे तब तक आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप ये जो एक्सरसाइज है, यदि आप इसको चाहें तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, बताया गया है आपको नहीं है तो 9919425442 इस नंबर में आप अपना जो है क्वेरी भेजिएगा कि आपको हमें या फिर आपको जो सीट चाहिए तो ये सीट हम आप तक पहुंचा देंगे। इसके बाद में अगला जो हमारा टर्न है जिसको आप अगले वीडियो में देखेंगे वो है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसको आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके साथ में हम देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग नरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के जो भी नरेशन है उसको बनाने के बड़े आसान तरीके और जो भी नियम है और जो भी इसके तौर तरीके हैं जो आसान शब्दों में बताए जा सकते हैं वह हम आपको प्रयास करेंगे बताने का। और मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो के समाप्त होने के पहले आप स्वयं कहेंगे वास्तव में ये सारी चीजें बहुत सरल थी और अब मैं इसे पूरी तरह बना सकता हूँ। कैसे संभव होगा, पहले तो हम समझ लें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता, दुख, शोक इन सब चीजों को प्रकट किया जाए, ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी चीज को अचानक आप देखें और वहां पर आप खुशी प्रकट करें तो आप बोलेंगे वाओ। यदि आप जीतते हैं तो आप हुर्राह बोलते हैं, कभी दुखी होते हैं तो आप इलाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों के मन में अचानक भाव पैदा कर देती हैं। तो ऐसे वक्त जिनमें प्रसन्नता, दुख और शोक इत्यादि के भाव प्रकट हो या बहादुरी के भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो हम लोग देखेंगे।
पहला नियम है इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इंडायरेक्ट में बदलने पर यह साधारण वाक्य में बदल जाता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है यह साधारण वाक्य में बदल जाता है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ ऐसे शब्द दिए होते हैं जो उसके भाव को प्रकट करें, उन शब्दों को हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि दोनों वाक्यों के मध्य कंजक्शन के रूप में हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंसेस में भी कंजक्शन दैट ही लगता है, और यदि वाक्य में आपको खुशी दिखाई दे आप कैसे समझेंगे खुशी है? यदि कहीं हुर्राह लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर खुशी दिख रहा है। तो यदि किसी भी वाक्यों में, यदि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में, स्पेशल देखिएगा, यदि किसी भी नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हुर्राह शब्द आ जाए या फिर कोई खुशी प्रदर्शित करने वाला शब्द आ जाए जिसके बाद संबोधन सूचक चिन्ह लगा हो, तो आप समझ लीजिएगा यह इस वाक्य को बदलने का यही नियम है। ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेड विथ जॉय या फिर एक्सक्लेमेड विथ डिलाइट का प्रयोग कर देते हैं, और कंजक्शन को लगाकर वाक्यों को जोड़ देते हैं और उन शब्दों को अलग कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि शोक प्रकट हो तो आप एक्सक्लेमेड विथ सारो कर दीजिएगा या फिर एक्सक्लेमेड विथ ग्रिफ कर दीजिएगा। यदि कहीं ब्रेवो शब्द आ जाए, ब्रेवो शब्द आ जाए तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर आप प्रेस्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ये वाक्य भी हैं जो आपके पेपरों में, स्पेशल कंपटीशन के पेपरों में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके स्टेट बोर्ड के पेपरों में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का प्रारंभ हाउ से हो या व्हाट से हो, ध्यान दीजिएगा हाउ मिल जाएगा शुरू में या फिर व्हाट मिल जाएगा, और इनके बाद संबोधन सूचक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। ऐसे शब्दों यदि आपको मिल जाए या फिर आपको ना भी मिले, इनके बाद में कोई वाक्य जुड़ा हो और ये वाक्य, ये शब्द अगर प्रारंभ में मिल जाते हैं तो इन शब्दों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। इन शब्दों के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, वेरी या ग्रिफ का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वेरी या ग्रिफ इनके स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि साधारण में बदल देते हैं। जो भी आपका सेंटेंसेस है उसको आप साधारण में बदलेंगे, तो जो सहायक क्रिया होगी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद में आप इसका यूज करेंगे वेरी या ग्रेट का। और यदि किसी वाक्य में गुड, जी डबल ओ डी है, गॉड नहीं है, यहाँ पर जी डबल ओ डी है, ये गलत लिखा हुआ शब्द आपका प्रिंटिंग एरर है ये। यदि किसी वाक्य में गुड हेवेंस, जी डबल ओ डी हेवेंस दिया हो तो वहां पर सेड या सेड टू को हम लोग क्या कर लेंगे, सरप्राइज में बदल देंगे, बाकी हमारे नियम ज्यों का त्यों हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ये सारी चीजें देख पा रहे हैं देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, इसकी ऑफलाइन क्लासें भी संचालित की जा रही हैं। तो जो बच्चे नजदीक हैं अपने एरिया से वो ऑफलाइन क्लासों में भी जुड़ के अध्ययन कर पा रहे हैं, जो दूर है या फिर जहां तक हम नहीं पहुंच पाते या फिर जहां से आप हमारे तक नहीं आ सकते हैं, तो वहां पर हमारी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप निःशुल्क और एक बेहतर अध्ययन कर पा रहे हैं। और हमारे जो भी क्लासों का जो मेन पर्पज है वो एक ही है कि जन जन तक शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, और जहां से अधिक बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छे नंबरों पे पास हों। जैसा कि आपको पता है पिछले सत्र में हमारे ही देव क्लासेस स्पेशल से अपने इस एरिया का, हमारे इस एरिया का बेहतर रिजल्ट रहा, और हम भी चाहते हैं कि लगातार हम लोग प्रयास करें और एक समय ऐसा आए जब हम लोग स्टेट बोर्ड में अपना एक मुख्य स्थान दर्ज करा पाए, या फिर हमारे यहाँ के बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन क्लासों से अध्ययन कर रहे हैं वो स्टेट बोर्ड में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाए। तो हमारा भरसक प्रयत्न यही है कि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड करें। बस जरूरत है आपकी हमारे साथ जुड़ने की, कि आप कितना कोऑपरेशन के साथ जुड़कर अध्ययन कर पा रहे हैं। तो फटाफट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपका रिव्यू हो इस वीडियो के प्रति, और सभी दोस्तों को शेयर करिए। चलिए देखते हैं आपकी इसकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को देख लेते हैं। देखते हैं पहला वाक्य, पहले वाक्य में लिखा है कि द टीचर सेड व्हाट, देखिए शुरू में ही आ गया ये शब्द आपका व्हाट, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको हम बनाएंगे द टीचर एक्सक्लेमेड, एक्सक्लेमेड दैट, सेड की जगह पे हमने बताया था एक्सक्लेमेड लगाना है। इसके बाद दैट द बॉय वाज वेरी लेजी, देखिए व्हाट को अलग कर दिया और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने वेरी का प्रयोग कर दिया।
अब एक वाक्य है आपका इलाज वाला, इसमें कहीं ना कहीं दुख प्रदर्शित हो रहा है, तो हमने आपको बताया था यदि कभी भी ऐसा शब्द मिल जाए जहां पर आपको इलाज दुख प्रदर्शित हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर हम लिख देंगे एक्सक्लेमेड विथ सारो दैट, दैट अब तो कंजक्शन हो गया। इसके बाद पूरा वाक्य हम जो कहते हैं उतार देंगे, तो इसमें है वैसे आवर एनिमीज है, तो आवर आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट पर्सन है, द किंग के हिसाब से बदलेगा, तो आवर के स्थान पर हमारा हिज होना चाहिए, यहाँ पर डियर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका हिज होना चाहिए, तो हिज एनिमीज, वैसे डियर लिखा है किंग्स होगा यहाँ पे, अगर किंग्स है तब यहाँ पर डियर के प्रयोग हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर डियर एनिमीज वेयर टू स्ट्रॉन्ग, अगर ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर एक वचन है तो हमको भी यहाँ पर एक वचन के हिसाब से ही कर्ता चुनना होता है, तो अगर हम किंग मानेंगे तो यहाँ पर हिज आएगा और यहाँ पर वाज आएगा, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, यहाँ एनिमीज दिया गया है ना, बहुवचन है, बहुवचन इसलिए हम लोग डियर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, एनिमीज मतलब जो बहुत सारे दुश्मन है, आर टू स्ट्रॉन्ग, तो इस कारण से हमने यहाँ पर डियर का प्रयोग किया, ठीक है वाक्य गलत नहीं है, डियर एनिमीज वी आर टू स्ट्रॉन्ग। अगला हम देखते हैं, माई फादर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, यहाँ पर आपका ब्रेवो शब्द आ गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेड या सेड टू के स्थान पर अप्लॉयड, या फिर हमने आपको बताया था कि प्रेस्ड का प्रयोग करते हैं, पी आर ए आई एस ई डी, तो यहाँ पर हम प्रेस्ड भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपने न ध्यान दिया हो तो, ये ऊपर लिखा हुआ है देखिए पी आर ए आई एस ई डी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो आप उसे भी लगा सकते हैं, एक नया शब्द था मैंने इसलिए इसको यहाँ पे रखा है, इसके बाद में दैट लगा देंगे, ब्रेव को बिल्कुल अलग कर देंगे, यू बदलेगा हमारा सेकंड पर्सन है, कर्म के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के तो हो जाएगा हाई आई, हैज बदलेगा हेड में, और इसके बाद में पूरा का पूरा वाक्य हम लोग उतार देंगे। अब एक वाक्य देख लेते हैं ऐसे जिसमें खुशी दिखाई दे, तो देखिए हुर्रा है मिल गया इसमें, और कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग वर्ब हमारा दिया गया ही सैड, कुछ हम इसने सैड ही कर दिया, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम इसको आगे ही लिखेंगे, तो ही को हमने आगे कर दिया एक्सक्लेमेड विथ जॉय, क्योंकि हुर्राह को हम लोग अलग कर देंगे, तो एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट ही हैड क्वालिफाइड द एग्जाम। अगला है उज्ज्वला सैड, एक हाउ वाला वाक्य देख लेते हैं, उज्ज्वला सैड हाउ स्मार्ट यू आर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, उज्ज्वला एक्सक्लेमेड दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट। एक वाक्य और देखते हैं गुड हेवेंस वाला, गुड हेवेंस प्रश्नवाचक सॉरी एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह दिया गया है, आई हैव ड्रॉप्ड माय की समवेयर ही सेड, तो इसका आपका बिल्कुल ये हट जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग सरप्राइज लगा देंगे, तो ही सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड माय की समवेयर, तो ये वाक्य थे और बहुत ही सरल आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वाक्यों को बनाना है, इसमें कोई पेचीदा प्रश्न बन ही नहीं सकता है, क्योंकि या तो इलाज देगा या हुर्राह देगा या ब्रेवो देगा या फिर व्हाटे देगा या फिर हाउ देगा, इन सभी के नियम इतने सरल है कि इलाज और हुर्राह के एकदम सरल नियम है, एक्सक्लेमेड विथ जॉय और एक्सक्लेमेड विथ ग्रिफ या सारो, ये दो नियम तो आपके खत्म हो गए, ब्रेवो में हम लोग प्रेस्ड का प्रयोग कर देंगे, और इस प्रकार ये सारे नियम बहुत ही सरल है, और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला वीडियो आप लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, और जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है और चीजें आप लोग उसको भी सीखेंगे, और इसकी कुछ एक्सरसाइज है, यदि आप इसकी एक्सरसाइज लेना चाहें तो आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है आप उससे अपना नाम और क्लास, या फिर अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप वो लिखकर जरूर भेजें, इसकी जो पीडीएफ है जिसमें कम से कम न होंगे तो 50+ प्रश्न होंगे जो अनसोल्ड और सोल्ड दोनों तरीके से हैं, तो वो हम आपको देंगे ताकि आप इसकी और भी बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ हम लोग विदाई लेते हैं इस वीडियो से और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। नरेशन का आप लोग अंतिम पार्ट देखने जा रहे हैं, इसके चार पार्ट ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं, जिसमें से हर पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है और
सारे वीडियो इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको बैठना हो, हर पार्ट से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यदि आप स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी बैठने वाले हैं तो भी ये मान के चलिए कि पांचों पार्ट से कुछ ना कुछ आपका जरूर आने वाला है, और इसलिए उन पार्टों को देखना बिल्कुल ना भूलें। उन सभी पार्टों की जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। समझते हैं पहले कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का भाव हो, शुभकामना का भाव हो, यदि इस तरह की चीजें, ये श्राप वगैरह भी हो, प्रार्थना हो, शुभकामना हो, श्राप हो, यदि इस तरह की चीजें आपको दिखाई दें तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नियम है इसमें, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामनाएं दिखाई दें तो सेड या सेड टू के स्थान पर विस्ड लगा देते हैं, WISHED। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शुभकामनाएं हैं। जब शुभकामनाएं हो तब हम विस्ड का प्रयोग करेंगे। तो यदि किसी में कर्स मतलब श्राप का भाव दिखाई दे, यदि किसी में श्राप का भाव दिखाई दे तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम लोग कर्स्ड CURSED इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई हो, मतलब ईश्वर के लिए स्पेशल है ये, यदि किसी वाक्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई हो तो वहां पर हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर प्रेड PRAYER प्रेयर लिखते हैं ना, प्रेयर माने होता प्रार्थना, तो वहीं से आपका प्रेड का प्रयोग करते हैं। अगला आपका, यदि किसी वाक्य में गुड बाय मिल जाए, गुड नाइट मिल जाए, ऐसे शब्द यदि किसी में मिल जाए तो वहां पर हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर बैडे का प्रयोग करेंगे, BADE। और अगला नियम है हमारा, यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हुआ हो, गुड मॉर्निंग आया हो, तो वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर विस्ड का प्रयोग करेंगे। बस ये पांच नियम है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका समाप्त। तो इतने कम से कम नियमों में आपके सेंटेंस पूरे पूरे समाप्त हो गए, और मैं गारंटी लेता हूं कि दुनिया का कोई भी टीचर हो और कितना से भी कितना खतरनाक पेपर बनाने वाला हो, इन नियमों के बाहर नहीं जा सकता है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है और सारे नियम को समझ लिया और सेंटेंसों को बनाने के तरीके को समझ लिया, तो मैं इतना गारंटी देता हूं आप कैसा भी सेंटेंस दे दे आप हर हालत में बना लेंगे, या फिर आप पहचानने के बाद में उसको बना सकते हैं। आप लोग ये सब चीजें देख पा रहे हैं देव क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। आप ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सभी दोस्तों को शेयर करें, और यदि चीजें क्लियर हो पा रही हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, जो भी वैल्यूएबल हो हमारे लिए, अच्छा बुरा जो भी होगा आपके हिसाब से वो हम सारा स्वीकार करते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छा, और नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बुरा कमेंट भी जरूर करें ताकि हम उन चीजों को और सुधार सकें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है आखिर चीजें, एक्सरसाइज के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये वाक्य हमारा एक दिया गया है, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी बात हो रही है, कहीं ना कहीं शुभकामनाओं की बात हो रही है कि आप लोग परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से सफल हो जाओ। तो सफलता की बात कहीं ना कहीं टीचर आपको बधाई दे रहा है या फिर अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्ड आएगा, ठीक है। तो द टीचर विश्ड हिज स्टूडेंट, और यहाँ पर कंजक्शन दैट लग जाता है, दैट लगा हुआ है, और यहाँ पर यू बदलेगा स्टूडेंट्स के हिसाब से, यू आपका सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा स्टूडेंट के हिसाब से, तो थोड़ा सा इरादा यहाँ पर ही की जगह दे होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है और यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम लोग दे मानेंगे। तो यहाँ पर दे माइट, मे का हो जाएगा माइट, दे माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। अगला देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, मे यू रिकवर फ्रॉम इलनेस सून। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चा बोल रहा है तो ये आपको शुभकामनाएं भी दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा आपसे छोटे व्यक्ति भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके छोटे व्यक्ति भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभकामना है। यदि ये स्पेशल ईश्वर से होती तो हम यहाँ पर प्रेड का प्रयोग करते, लेकिन ईश्वर का शब्द यहाँ पर कोई ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई शब्द दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग विश्ड लगा देंगे, द बॉय विश्ड दैट You might recover from illness soon। अगला वाक्य दिया गया है आपका, She said, May your aim in life be fulfilled। तो यहां पर भी आपका कहीं ना कहीं आशाएं दे रही हैं कि मे यू एम, आपका जो भी उद्देश्य है इन लाइफ मैंने जीवन में, बी फुलफिल्ड, वो क्या हो, पूरा हो जाए।
तो ये भी कहीं ना कहीं आशा है। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से जब आशीर्वाद लेते हो तो वह एक ही चीज बोलता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही है आपके लिए। तो ये आपका सी विस्ड योर एम इन सी विस्ड, यहाँ पर कंजक्शन छूट गया है, यहाँ कंजक्शन छूट गया आना चाहिए, विस्ड के बाद में आप दैट लगाएंगे, सी विस्ड दैट, यहाँ जाएगा योर एम इन लाइफ माइट बी फुलफिल्ड। तो ध्यान दीजिएगा ये कंजक्शन जो छूटा हुआ है इसको आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर दैट लगा लीजिएगा। अगला देखिए, द मैन सेड, आदमी ने कहा मे गॉड सेव यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब ईश्वर के लिए हो गई, तो अब शुभकामनाओं की जगह पे हम लोग विश का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रेड करेंगे। तो द मैन प्रेड दैट गॉड माइट सेव यू। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए एक वाक्य दिया गया है आपका, ही सेड टू मी, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला है, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा मे गॉड ब्लेस यू, ये भी कहीं ना कहीं बात ईश्वर के लिए हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। अब आप परिवर्तन के नियम समझ गए हैं, इसलिए हम उसको बार बार नहीं बता रहे हैं कि यू कैसे बदलेगा, यू बदलेगा कर्म के हिसाब से, तो आपका मी आ जाएगा क्योंकि यू की पोजिशन भी कर्म की है। अगला है द ओल्ड मैन सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की बात हुई है, तो यहाँ पर भी प्रेड आ जाएगा, और इसके बाद दैट लगाकर माइट हेल्प मी लिख देंगे। अगला है दे सेड लॉन्ग लिव योर प्रेसिडेंट, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना की जा रही लेकिन ईश्वर की बात यहाँ पर नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम लोग विश्ड करेंगे, तो दे विश्ड दैट दियर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग। बनाने का तरीका आपको पता ही है कैसे क्या करना है, उसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे। माई ग्रांड फादर सेड टू मी, मेरे दादाजी ने मेरे से कहा आई मे हैप्पी, तो यहाँ पर भी आप विश्ड करेंगे, दैट लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे। इसके बाद में कुछ वाक्य और भी हैं, द पीपुल सेड लॉन्ग लिव द किंग, लोगों ने कहा कि जो राजा हो दीर्घायु हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं इच्छा दिखाई दे रही, द पीपुल विश दैट द किंग माइट, यहाँ पर आप ये सारे वाक्यों को देख सकते हैं, अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि मे यू बी हैप्पी कहीं ना कहीं आपकी विश है, तो ये भी हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर के लिए प्रेड हो जाएगा, यहाँ पे दैट लगा के वाक्यों को जोड़ देंगे। अगला देखिए, हैव ए हैप्पी इंटरव्यू, ये भी आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज है, यहाँ पर विश लगेगा। द पेशेंट सेड, रोगी ने कहा मे यू बीन ए ऑनेस्ट डॉक्टर, मुझे एक ईमानदार डॉक्टर की जरूरत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी इच्छा है, तो यहाँ पर भी हम लोग विश लगाएंगे। अगला मे यू हैव ए मोबाइल फोन, क्या मुझे आप अपना मोबाइल फोन दे सकते हैं, यहाँ पे भी विश लगाएंगे। इसके बाद में ये सारे वाक आपको कहीं ना कहीं बन जाने वाले हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको आप देखिएगा और ये वाक आप सीखने का प्रयास करिएगा। इसके पहले वाले पेज को भी हम दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके पहले वाले पेज को भी हम एक बार दे देते हैं आपको, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बनाने का प्रयास करिएगा और ये सारे वाक आपसे बन गए तो पूरे कंपटीशन के एग्जाम से लेकर स्टेट बोर्ड के एग्जाम और भी जो भी परीक्षाएं हैं किसी में भी आप बैठने वाले हों, आप इस टेंस से मात नहीं खा सकते हैं, यह मेरा चैलेंज है बिल्कुल। वीडियो को हम लोग यही समाप्त करेंगे और नरेशन के सारे पार्ट हो चुके हैं, सारी चीजों का आपने सीखा, सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, और जिन बच्चों ने सभी वीडियो को देखा होगा मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे दुनिया का कोई भी वाक्य मिल जाए नरेशन में उनको छूटने वाला नहीं है। यदि आपने भी नहीं देखा है सारे पार्ट को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक पड़ी हुई है जिसमें 5 पार्ट बने हैं, इसमें 5ों पार्ट यदि आपने देख लिए तो ये मान के चलिए नरेशन का कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य हो, कितना भी कठिन वाक्य हो, कोई वाक्य आपसे छूटने वाला नहीं है। यदि आपको बेहतर लगी हमारी सारी वीडियो तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।